नव संवत्सर के अवसर पर आज हम आपको भारत के राष्ट्रीय पंचांग से जुड़ी अत्यंत रोचक जानकारी देंगे, जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो राष्ट्रीय पंचांग पर विचार हुआ। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग निश्चित करने के लिए कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी का गठन किया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में टीम ने काम करना आरंभ किया। 1952 में एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में अत्यंत चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। रिपोर्ट में कहा गया, ईसवी सन का ईसाई पंथ से मौलिक संबंध नहीं है, यह तो यूरोप के अर्ध सभ्य कबीलों में ईसा मसीह से बहुत पहले से ही चल रही थी। इसके एक वर्ष में 10 महीने और 304 दिन होते थे। पुरानी रोमन सभ्यता को भी नहीं पता था कि सौर वर्ष और चंद्रमास की अवधि क्या होती है। यही 10 महीने का साल वे तब तक चलाते रहे जब तक उनके नेता सेनापति जूलियस सीजर ने इसमें संशोधन नहीं किया। ईसा के 530 वर्ष बीतने के बाद ईसा बिशप ने कल्पना मात्र से 25 दिसंबर को ईसा का जन्म दिवस घोषित कर दिया। 1582 में 13वें पोप ग्रेगोरी महाशय ने कैलेंडर को 10 दिन आगे बढ़ाकर 5 अक्टूबर को 15 अक्टूबर मान लिया। ब्रिटेन ने इसे 200 वर्ष बाद 1752 में स्वीकार किया और 11 दिन की कमी कर 3 सितंबर को 14 सितंबर बना दिया। यूरोप के कैलेंडर में 28, 29, 30 और 31 दिनों के महीने होते हैं, जो विचित्र है। ये न तो किसी खगोलीय गणना पर आधारित हैं और न ही किसी प्रकृति चक्र पर। अंततः भारत की कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत बनाने का अनुमोदन किया, परंतु दुर्भाग्यवश शोध उपेक्षित रहा और स्वार्थ अपेक्षित हो गया। अंग्रेजी मानसिकता के नेतृत्व को यह पसंद नहीं आया, परंतु हम अपने पर्व, त्योहार, जन्म दिवस, विवाह संस्कार इत्यादि विक्रम संवत के अनुसार ही मनाते हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, गुरु नानक, महर्षि दयानंद आदि महापुरुषों की जयंती भी भारतीय कालगणना के अनुसार ही मनाई जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को जब 1 जनवरी को शुभकामना संदेश मिला तो उन्होंने प्रत्युत्तर दिया कि मेरे देश का सम्मान वीर विक्रमी नव संवत्सर से है, 1 जनवरी पराधीनता की याद दिलाता है। यह नव वर्ष किसी जाति, वर्ग, देश, संप्रदाय का नहीं है, अपितु यह मानव मात्र का नव वर्ष है। यह पर्व विशुद्ध रूप से भौगोलिक पर्व है।